बीजेपी ने लगातार अपनी पार्टी में कई कांग्रेस नेताओं को शामिल कराया। बीजेपी इसे अपनी जीत मान रही है, लेकिन उसके इस कदम से मौजूदा बीजेपी नेता चिंता में है कि आखिर उनका क्या होने वाला है। इसका एक और एग्जाम्पल देखने को मिला है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस नेता नीलेश अवस्थी की एंट्री से बीजेपी में कलह मच गया है। नीलेश अवस्थी ने गुरुवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और पाटन से विधायक अजय विश्नोई ने एक रिकॉर्डिंग अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि पाटन के पूर्व विधायक भाई नीलेश अवस्थी का भाजपा में स्वागत है। भाजपा में शामिल होने वालों को आज स्वागत करना हमारी मजबूरी है। विश्नोई ने आगे लिखा है कि आप सबका यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए भाई नीलेश अवस्थी के कांग्रेस और भाजपा के बारे में क्या विचार है। अजय विश्नोई ने इस पोस्ट के साथ एक रिकॉर्डिंग भी शेयर की है और लिखा है कि 6 मिनट के इस ऑडियो में नीलेश जी कांग्रेस के कमलनाथ जी से लेकर अन्य नेताओं को सुशोभित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वे कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं। 3:30 मिनट के बाद वे बता रहे हैं कि उनके भाजपा में आने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं की मां के साथ क्या क्या हो जाएगा और भाजपा के कार्यकर्ता किसके साथ लग जाएंगे। गौरतलब है कि भोपाल में बीजेपी ऑफिस में पाटन के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी और खरगापुर के पूर्व विधायक अजय सिंह यादव भी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इन दोनों नेताओं के साथ उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अजय विश्नोई ने नीलेश अवस्थी का ऑडियो वायरल कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।